हेलो एवरी वन दिस इज़ उमर शे एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन माई यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लर्निंग ट्री सो फ्रेंड्स आज हम टेंसिस के सीक्वेंस की एट्थ एपिसोड में पास परफेक्ट टेंस को सीखने की कोशिश करेंगे यानी फेल माजी मुतल को सीखेंगे uh, प्रेजेंट की जो चारों किस्में हैं और उसके अलावा पास में हमने पास इंडेफिनेट और तो कंटिन्यूस पढ़ा इन सब के लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे अगर आपने देखने हैं तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं सो so आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आहर में चुका था चुकी थी चुके थे वगैरह आए तो वह टेंस के ज़ुमरे होते हैं के ज़ुमरे में आते हैं मसलन मैं हत लिख चुका था वो नमाज पढ़ चुकी थी हम खाना खा चुके थे ये चीज़ याद रखनी है कि उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आहार में आ था ई थी या ए थे या आ, या था ली थी लिया था ली थी या लिए थे वगैरह आए तो वो भी पास टेंस के फ़िक्रे होते हैं मसलन मैंने हत लिख लिया था उसने नमाज पढ़ ली थी हमने आम खा लिए थे पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फार्म आती है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होता है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब जो वो हैड यूज़ होगा पास टेंस का स्ट्रक्चर यानी इसका जनरल कुलिया देखते हैं सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगा देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर एंड में इसका ऑब्जेक्ट आएगा पास टेंस के मुसबत फ़िक्रों की तरह बढ़ते हैं इस टेंस के मुसबत फ़िक्रों का तर्जमा इस कुलिये के मुताबिक किया जाता है यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगेगा फिर उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में उसका ऑब्जेक्ट आएगा एग्जाम्पल्स देखते हैं पाकिस्तान मैच जीत चुका था पाकिस्तान वन मैच। इसमें पाकिस्तान इज अ सब्जेक्ट हैड उसका हेल्पिंग वर्ब है वन की थर्ड फॉर्म है विन वन वन और एंड में उसका ऑब्जेक्ट है हमने अपना काम खत्म कर लिया था वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क तुमने मुझे धोखा दिया था यू हैड रिसीव्ड मी सो इन सेंटेंसेज में सेम रूल अप्लाई हो रहा है पास परफेक्ट टेंस के नेगेटिव फिक्रों की तरफ बढ़ते हैं इस टेंस के फिक्रों को नेगेटिव बनाने के लिए उसका हेल्पिंग वर्प हैड के फौरन बाद नॉट का यूज होगा यानी स्ट्रक्चर क्या है इसका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा देन हेल्पिंग वर्प हैड का यूज होगा उसके फौरन बाद नेगेटिव फिक्रों के लिए नॉट यूज होगा देन वर्क की थर्ड फॉर्म और एंड में उसका ऑब्जेक्ट आएगा नेगेटिव फिक्रों की एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं हमने अपना वक़्त ज़ायर नहीं किया था वी हैड नॉट वेस्टिड आवर टाइम वी इज़ अ सब्जेक्ट हैड उसका हेल्पिंग वर्क नॉट उसके नेगेटिव फिक्रे के लिए यूज हुआ है वेस्टेड वर्क की थर्ड फॉर्म है और दैन टाइम एंड में उसका ऑब्जेक्ट है आरफ ने झूठ नहीं बोला था आरफ हैड नॉट टोल ड लाए उसने मेरी किताब वापस नहीं की थी ही हैड नॉट रिटर्न माई बुक सो इन सेंटेंसेज में भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है पास टेंस के इंट्रोगेटिव यानी सवालिया की तरफ बढ़ते हैं फिक्रों को सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं यानी हेड सबसे पहले आया फिर सब्जेक्ट आएगा की थर्ड फॉर्म और एंड में इसका ऑब्जेक्ट आएगा इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं क्या तुम फूल तोड़ चुके थे हैड यू द दूसरे यानी ड उसका शुरू में आ गया हेल्पिंग वर्ब देन यू इज अ सब्जेक्ट प्लग उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फ्लावर्स एंड में उसका ऑब्जेक्ट है क्या वो अपना हिसाब बेबाक कर चुका था हैड ही क्लियर क्या अली लैंप बुझा चुका था हैड अली पुट आउट द लैंप सो इन सेंटेंसेस में भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है एक चीज याद रखनी है कि इस टेंस में आमतौर पर दो कामों का होना जरूरी होता है जिनमें से एक काम खत्म हो चुका होता है और दूसरा अभी शुरू हुआ, हुआ होता है जो काम पहले ख़त्म हुआ उसका तर्जमा हम पास परफेक्ट टेंस के मुताबिक करते हैं मसलन पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था द थीफ हैड एस्केप्ड फॉर द पुलिस अराइवड इस जुमले में चोर के भाग जाने का काम पहले अंजाम पा चुका है इसलिए फिक्रे के इस हिस्से का तर्जमा पास परफेक्ट में किया गया है जबकि पुलिस के आने का काम बाद में हुआ है लिहाजा फिक्रे के इस हिस्से का तर्जमा हम पास इनडेफिनेट में करेंगे इसकी कुछ मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं ट्रेन के आने से पहले वो टिकट खरीद चुका था ही हैड बॉट हिज टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड तुम्हारे जाने के बाद मैं सो गया था आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप नहाने के बाद उन्होंने नाश्ता किया दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश्ड पास परफेक्टेंस की एक्सरसाइज देखते हैं मैं तमाम सवाल हल कर चुका था आई हैड सॉफ्ट ऑल सम्स सम्सॉफ्ट वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज होगी उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया था डन देयर ड्यूटी माली पौधों को पानी दे चुका था द गार्डनर हैड वाटर द प्लांट्स उससे मेरा मुतालबा तस्लीम नहीं किया था ही हैड नॉट एक्सेप्टेड माई डिमांड उन्होंने बोझ से द्रख नहीं लगाए थे दे हैड नॉट प्लांटेड मैनी प्लांट्स मैंने अपनी जायदाद फरोख्त नहीं की थी आई हैड नॉट सोल्व माई प्रॉपर्टी क्या उसने सांप मार दिया था हैड ही किल्ड द स्नेक क्या जख्मी मरीज मर चुका था हैड द वाउंडेड पेशेंट डाइड तुमने उसे क्यों डांटा था वाई हैज यू स्कॉल्ड एन हिम तुमने अफवाहें क्यों फैलाई थी वाई हैज यू स्प्रेड द रूमर्स सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट ऑन इट शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल आई एम उमर शेख साइनिंग ऑफ